तो खेसारी लाल यादव भी जाएंगे बॉलीवुड के करने फिल्म, लेकिन सिंगर नहीं बनेंगे एक्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही बड़ी जानकारी, खुद खेसारी लाल यादव के मुंह जबानी, आप लोगों का इसका सबूत दिखाने वाला हूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजप्रिया जहान में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि पवन सिंह जब से स्टे टू में गाना गाए हैं, तब से भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि खेसारी लाल यादव कब बॉलीवुड के गाना गाएंगे या कब बॉलीवुड के फिल्म में शामिल होंगे। खैर आप लोगों को बता दूं कि यहां पर खेसारी लाल यादव के इवेंट में जब ये सवाल खेसारी लाल यादव से एक मीडिया वाले भाई पूछते हैं कि आपका बॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट कब आ रहा है, तो खेसारी लाल यादव का साफ साफ जवाब यह रहता है कि मैं जाऊंगा भी तो एक्टर बन के जाऊंगा, न कि सिंगर बन के जाऊंगा। क्योंकि खेसारी लाल यादव का आज नहीं, बहुत पहले का एक डायलॉग है कि मैं नर्क का राजा बनना पसंद करता हूं, स्वर्ग का नौकर नहीं। तो खेसारी लाल यादव जहां भी जाएंगे वहां मालिक बन के जाना चाहते हैं, ना कि नौकर नहीं, और अपना इस्तेमाल कराना नहीं चाहते हैं। और खेसारी लाल यादव उस इंटरव्यू में यह भी बात बोले हैं कि पवन सिंह को स्त्री टू में इस्तेमाल किया गया है अपने फिल्म को हिट कराने के लिए। और जी हां मेरे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि पवन सिंह को स्त्री टू में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो फिल्म को चलाने और बिहार यूपी झारखंड ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए पवन सिंह को एक गाना दिया गया है। क्योंकि आगे से उन लोगों का कोई प्लानिंग नहीं था, एक बैक उन लोगों के माइंड में दिमाग आता है और एक बैक पवन सिंह को गाना मिल जाता है, तो ये एक सोचा समझा प्री प्लानिंग था ताकि बिहार यूपी झारखंड के ऑडियंस को आकर्षित कर सके। तो खेसारी लाल यादव क्या बोले हैं, थोड़ा सा सबूत आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। एज ए सिंगर उनको इस्तेमाल किया गया, हम जो एक्टर कोशिश करेंगे जो बॉलीवुड में एंट्री करें और कुछ बेहतर करें, उससे भोजपुरी थोड़ी बड़ा हो रहा है, उससे हिंदी बड़ा हो रहा है, क्योंकि हिंदी में हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें हमारा चेहरा नहीं है, उसमें हमारी आवाज है, तो उससे भोजपुरी का कोई मुझे नहीं लगता कि उठाने वाला। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों के भी माइंड से ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि खेसारी लाल यादव बॉलीवुड में कब जाएंगे। खैर चलिए अभी के लिए बस यही था खास जानकारी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।